आज 16वीं लोकसभा का आखिरी दिन, मुलायम जी का स्टेटमेंट आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं देश की जनता को बधाई देता हूँ कि रात लंबी थी लेकिन कट गई। ये तानाशाह सरकार जाने वाली है, अब की बार गई सरकार, अगली बार नई सरकार। हिंदी में कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के एक बयान पे लोटपोट हो रही है, जो कि शुभकामना का बयान था। उन्होंने संसद में सभी सदस्यों को शुभकामना दी, प्रधानमंत्री जी को भी शुभकामना दी। शुभकामना का जवाब शुभकामना से दिया जाता है। अगर प्रधानमंत्री जी का वाकई 56 इंच का सीना होता तो शुभकामना का जवाब शुभकामना से देते, कहते कि मेरी भी शुभकामना है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भारी जीत दर्ज करें। लेकिन शुभकामना का जवाब प्रधानमंत्री जी ने थैंक यू से दिया। इससे साबित हो गया कि एक डरे हुए प्रधानमंत्री एक शुभकामना को तिनके के सहारे की तरह अपनी डूबती हुई नैया में इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन आने वाली सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो सत्यानाश देश का इस सरकार ने किया है, युवाओं के भविष्य का सत्यानाश किया, किसानों के रोजगार का सत्यानाश किया, महिलाओं के सम्मान का सत्यानाश किया, आपसी भाईचारे का सत्यानाश किया, ये सब करते समय क्या धुन सुनाते रहे, अच्छा दिन आने वाला है, कहते रहे सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका सत्यानाश करने वाली सरकार, सबको बुरे दिन दिखाने वाली सरकार, अच्छे दिन के नाम पर सबका साथ सबका विकास के नारे देते हुए सब कुछ सत्यानाश करती रही, वो एक डूबती हुई सरकार है। ये शुभकामना ये दिखाती है कि मुलायम सिंह यादव जी राजनीति के पुरोधा हैं, उनके मन में सबके लिए सम्मान है, लेकिन ये भी दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बेबस है कि अब उसके पास सिर्फ उस एक शुभकामना का सहारा है। कभी कभी लोग कहते हैं, पुराने लोग, कि जवान पे सरस्वती का वास होता है, कुछ लोगों की बात लग जाती है। देखिए मुलायम जी काफ़ी बुजुर्ग, अनुभवी, समय को भांपते हैं। देखिए जिस सरस्वती की हम बात करते हैं, इस देश के कण कण में उस सरस्वती का वास है। उस सरस्वती के वास के चलते इस देश का एक आम युवा सोचता है कि हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हमें रोजगार मिलेगा, हम अपने सीना तान करके अपने समाज में जीवन यापन कर पाएंगे। उस युवा को प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगार कर दिया। सरस्वती कभी उन लोगों के साथ नहीं खड़ी होगी जिसने शिक्षा को ध्वस्त कर दिया, जो यूनिवर्सिटी में घुस गई है कहते हुए छात्रों को कि हम तुम्हें पीटेंगे और तुमके ऊपर आरोप लगाएंगे कि तुम देशद्रोही हो। सरस्वती उन पर बात करती है, उनकी इच्छाओं को पूरा करती है, जो शिक्षा को महत्व देते हों, जो सम्मान को महत्व देते हों, जो श्रद्धा को महत्व देते हों, जो गुमराह करते हों, जुमले चुनाते हों, देश को ये कहें अच्छे दिन लाएंगे और बुरे दिन दिखा दें, इन पर सरस्वती वास नहीं करती। तो इस देश के तमाम बुजुर्गों की जुबान पर सरस्वती का वास है, लेकिन उससे ज़्यादा इस देश की कण कण में सरस्वती का वास है। और उसी सरस्वती, वही भगवान राम, वही भगवान कृष्ण, सब ने इस देश की भलाई के लिए ज़रूर ये इस कामना को स्वीकार किया होगा कि अगली बार नई सरकार, अब की बार गई सरकार। प्रियंका गांधी को आज दुर्गा का रूप में दिखाया गया है। देखिए राजनीति में जनता भगवान होती है, कोई नेता चाहे कितना भी बड़ा हो। 5 साल से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को भगवान बनाने की कोशिश कर रही है, और आज वो भारतीय जनता पार्टी नेताजी के एक शुभकामना को तिनके को लेकर के बैठे हुए हैं कि यही है जो बचा सकेगा। तो मैं मानता हूं कि कोई नेता भगवान का रूप नहीं है, जनता भगवान का रूप है। और राजनीति में जो लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि जनता भगवान है, संविधान उस भगवान को की पूजा करने का सबसे बड़ा जरिया है, सबसे बड़ा मंत्र है, उस मंत्र के साथ समाज की सेवा करें। एक कट करके फिर से